देखिए अभी इनका कहना है यहाँ पे कि छोटे बच्चे दो तकरीबन 12:30-1 बजे के टाइम यहाँ से घर से इन्होंने देखा तो बच्चे यहाँ पे नहीं थे। उसके बाद वो नीचे गए तो वहाँ पे एक खड्डा बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी आ रहा है ऊपर से, तो इनका कहना है कि वो खड्डे में चले गए। तो कुछ लोगों का कहना है कि खड्डा ठेकेदार ने करा था पानी निकालने के लिए, तो फिर मैंने ठेकेदार साहब से भी बात करी, मैंने उनसे बोला कि खड्डा, उन्होंने बोला नहीं मैंने खड्डा नहीं खोदा है, इनको जेसीबी चाहिए थी, मैंने इनको जेसीबी प्रोवाइड करी, इनको अपने लिए था। तो अभी पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस देख रही है, तो जो भी इसमें मुलजिम पाया जाएगा उसके खिलाफ पुलिस इंशाल्लाह कार्रवाई जरूर करेगी। यहाँ पे डीएसपी साहब भी थे और हमारे डीओ साहब भी यहीं पे हैं, अभी भी पुलिस यहाँ पे। इन लोगों से बात करी जब मैं यहाँ पे आया, इन्होंने बोला कि जब हमने बच्चों को यहाँ पे निकाला तब बच्चे जिंदा थे, तो हमें गाड़ी मुश्किल से यहाँ पे मिली, हमने इनको सब हॉस्पिटल कुफाड़ा लिया, तो उसके बाद डॉक्टरों ने वहाँ पे लापरवाही करी, इनको देखा नहीं अच्छे से, हमने बहुत चिल्लाया चीखा, उसके बाद भी डॉक्टरों ने इनको नहीं देखा, तो उसके बाद इनकी मौत होगी। लोगों का कहना यही है कि लोगों बच्चों की मौत यहाँ पे नहीं हुई थी, इनके सब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद इनकी मौत हुई है, क्योंकि इनको वहां पे अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करी गई, डॉक्टर ने इनको अच्छे से देखा नहीं, उसके बाद इनकी डेथ होगी। उसके बाद हमने इनसे एम्बुलेंस मांगी तो एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे थे, इसलिए बनाएंगे पानी वो लेता था ऊपर टैंकर लगाकर मोटर लगाकर पानी निकालकर वो लेता था ऊपर, हम किस लिए बनाएंगे इसे आगे इस रोड को कम से कम 15 साल हो गई, कोई एक बोला कि यहाँ जमींदारों ने ये खुद बनाया। मेरा नाम सैफुद्दीन कटारिया है, मैं वार्ड नंबर 4 से हूँ। जो ये पिट बनाई है ये इसका मेट है जो उसने बनाई है, और वो 16:30 से उसने पानी यहाँ से लिया और 17 को ये बनाया, इधर पानी थोड़ा इसमें कम रहता था, उसने बनाया कि इसमें कम से कम 300 फुट पानी जमा होना चाहिए जो मोटर से एक बार टैंकर में भरा जाए। उसे 17 को भी 18 को भी 19 को भी और 20 को भी यहाँ से मेरी निगरानी में पानी लिया। ये जो उसका कहना है कि मैंने नहीं बनाया बिल्कुल गलत है, अपने मेट से पूछे। दो बच्चे थे ये पानी से निकाले, मैंने निकाले थे और इनके घर वाले बहुत था, उसका फादर मौके पर था, मौका पर मैं था यहाँ पर। उस डैन के दोनों की डेड बॉडी कहाँ थी पड़ी हुई पानी के कुएं में, फिर निकाला यहाँ से, कुपाड़ा लिया इनको, फिर सोपर वाली गाड़ी थी मोछे भर रही थी उधर पीछे, फिर उसको फोन किया वो आया, उसने लिया नहीं, ये ठेकेदार नहीं आया, उसके साथ जो बंदे थे वो यहाँ पहुंच गए थे, लेकिन ठेकेदार नहीं पहुंचा खुद, ना गाड़ी थी यहाँ पर आई उसकी कोई, न लेकर दूसरी गाड़ी सोपर की गाड़ी थी वो लेकर हमें कुपाड़ा पहुंचाया उसने। लोड केरर थी, लोड केरर वही तो सोपर की गाड़ी लोड केरर थी, जो कुछ भी था सोपर का था वो ठेकेदार, दूसरा जो लकड़ी जो टैंकर भर रहे थे यहाँ से, ये बोल रहा है ना इन्हें खुद निकाला टैंकर यहाँ से पानी भर रहे थे, वो बंदे भी यहीं पर हमारे टैंकर भी वहाँ मौजूद है, हाँ। टैंकर भी वहीं छोड़ा हुआ है। तो दो बच्चे थे मेरे साथ में, दोनों को लेकर गए, पहले डॉक्टर एक खड़ा था वहाँ, उसने बोला चलो इस वार्ड में चले जाओ, गए उस वार्ड में, हमने वहाँ एक पोर्टर था, क्या था इंजेक्शन उसको करने का आता था या नहीं आता था, वो एक आया, वो जिस डॉक्टर ने बोला था जा उस वार्ड में, वो डॉक्टर भी नहीं आया। फिर हम आधा घंटा इंतजार कर रहे थे, कोई डॉक्टर नहीं, वो छोटा से चाह था, उसने बच्चों को ऐसे 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 किया तो तब तक उनकी सांस खत्म हो गई थी। फिर हम बाहर निकले तब तक मीडिया वाले भी आ गए थे, SDM साहब भी आ गया था वहाँ, उसने भी वहाँ देखा हाल, कोई डॉक्टर उस टाइम में भी नहीं था। फिर हम 2 घंटे वहाँ बैठे रहे, तो हमने बोला चलो इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इनकी जान चले गई, तो लेकिन हमें कोई गाड़ी का इंतजाम तो होना चाहिए ना, 2 डेड बॉडी हमारे पास है, 2 घंटे हम बैठे रहे कोई गाड़ी हमें नहीं मिली। फिर मैंने उठाए दोनों बच्चे, दोनों डेड बॉडी, हम पहुंचे रोड पे, पहुंचे बाहर अस्पताल के आगे के, तो मैंने वहां रोड बंद कर ली। जब रोड बंद कर ली वहां SHO आया, तो SP साहब आया, उन्होंने बोला क्या बात है, मैंने बोला अगर इनकी जान चले गई थी लेकिन यहाँ से मुझे गाड़ी को तो इंतजार करना था, कोई गाड़ी नहीं थी। फिर जब उन्होंने उठाकर तब तक पीछे से हर्न कर रही है, 3-4 एम्बुलेंस आ रही है, बाद में मुझे क्या करना था, 2 घंटे वे डॉक्टर कहाँ थे, वे एम्बुलेंस कहाँ थी वहाँ उस टाइम में, मुझे बताइए। बोल रहे कि डिस्ट्रिक्ट कपाड़ा में इतने बड़े अस्पताल है, वहाँ इतने डॉक्टर है, कौन डॉक्टर था वहाँ, मुझे बताइए, वो सीबू उसको कौन था, कहाँ था, वो सोया हुआ था, मरा हुआ था।